नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत ने इतिहास रच दिया है। G20 अब कंप्लीटली चेंज हो चुका है, इट इज G21 नाउ। यहां पर आप देख पाओगे इस टॉपिक से रिलेटेड। इंटरेस्टिंगली आज से 2-2.5 महीने पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि इंडिया वॉन्ट्स टू मेक G20 इंटू G21, इंडियाज ब्रिलियंट जियो पॉलिटिकल मूव। इस वीडियो में मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि अफ्रीकन यूनियन को इवेंचुअली G20 में ऐड किया जाएगा और इंडिया के लिए ये एक बड़ी जीत होगी। और अब मैं देख रहा हूँ कि ये वीडियो जो 2.5 महीने पुरानी है, इस पर लोग कमेंट्स कर रहे हैं, न्यू कमेंट्स में कई लोग लिख रहे हैं कि ये सच में हो गया G20, वी फाइनली डिड दिस। आई लव ऑल ऑफ यू यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप प्रॉपरली एक इवेंट को फॉलो करते हो। और ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें जो हम मिलकर एनालाइज करते हैं वर्ल्ड अफेयर्स पर इवेंचुअली सच हो जाती है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फैक्चुअल बेस एनालिसिस करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा देखकर कि आपने इसको प्रॉपरली फॉलो किया है। जो प्रिगोजिन की डेथ हुई थी उसको लेकर भी मेरा मन था कि एक वीडियो बनाऊँ, उसको लेकर भी मुझे याद है कि कई लोगों ने कमेंट करी थी कि जो आपने कहा था कि प्रिगोजिन के साथ ये हो जाएगा, इवेंचुअली इट हैपेंड। बट उस टॉपिक पर मैं एक अलग वीडियो ला नहीं पाया। बट अगेन, पहली बात तो बहुत अच्छी बात है हमारे देश के लिए कि जब इंडिया में G20 समिट हो रहा था उसी वक्त हमने G20 को ऑल टुगेदर ट्रांसफॉर्म कर दिया है। बहुत ही जल्द आप देखोगे कि ऑफिशियली G20 को G21 बुलाएगी सारी दुनिया, क्योंकि अब अफ्रीकन यूनियन भी इस ग्रुप का पार्ट बन चुका है। और पीएम मोदी ने G20 समिट से रिलेटेड एक वीडियो करी है अपलोड। ये वीडियो मैं चाहता हूँ आप सब लोग देखें। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही है, 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गए। ना मुझे बताया, आप में से कई लोगों के माइंड में एक बात आएगी कि ये जो G20 लीडर्स एक एक करके आ रहे थे, पीएम मोदी उनसे हाथ मिला रहे थे। ना सिर्फ G20 लीडर्स, जो गेस्ट यहाँ पे इनवाइट किए गए हैं उनके लीडर्स भी यहाँ पर आए, पुतिन मिसिंग थे। अगर व्लादिमीर पुतिन भी यहाँ पर आते ना तो दैट वुड हैव बीन वेरी इंटरेस्टिंग। ज़ेलेंस्की भी नहीं आए, पुतिन भी नहीं आए, एक काफ़ी अजीब सी बात हो गई है। मुझे लगता नहीं है कि कोई शी जिनपिंग को मिस कर रहा है, मुझे लगता नहीं है कोई भी कंट्री यहाँ पे आज के समय जो चाइना की एक इमेज बन चुकी है इंटरनेशनली, शी जिनपिंग को मिस कर रहा होगा। बट व्लादिमीर पुतिन का ना आना, इंटरनेशनल मीडिया इस बात को लेकर कह रहा था कि क्या इससे जो इंडिया का G20 समिट है, क्या इसका जो लस्टर है, क्या इसकी जो अट्रैक्शन है, क्या ये कम हो जाएगी। और इवेंचुअली आंसर पता है क्या निकल के आया है? बिल्कुल नहीं। जो बाइडेन ने एक काम अच्छा किया कि अपनी जो विजिट है एक्सटेंड कर दी, ये 3 दिन तक भारत में रुके हैं। तो आप कह लीजिए US बैक कर रहा है इंडिया को उस एस्पेक्ट में। और सिंस अफ्रीकन यूनियन को अब 21वां मेंबर बना दिया गया है G20 का, इसकी वजह से पूरी दुनिया में इंडिया का जो G20 समिट है ना, ये कई सालों तक याद रखा जाएगा कि ये वो समिट था जब G20 कई सालों बाद ट्रांसफॉर्म कर दिया गया।
और ये यहाँ पे वो क्षण है जब ऑफिशियली अफ्रीकन यूनियन को G20 में ऐड किया गया। यहाँ पे आप देख पाओगे पीएम मोदी बैठे हैं, नीचे लिखा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, और सदस्यता जैसे ही उन्होंने अनाउंस किया अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। अब जैसे ही इनको इनवाइट किया गया ना, आप देखोगे जो अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट है उनको डॉक्टर अजय शंकर लेके आए। यहां पे आप देखोगे डॉक्टर अजय शंकर उठे, और अफ्रीकन यूनियन के आज के समय जो प्रेसिडेंट है उन्हें सम्मानजनक तरीके से उनको ये कहा कि आप अपना स्थान यहाँ पे ग्रहण करिए, अब आप परमानेंटली यहाँ पे आप देख पाओगे। ये हिस्टोरिक मोमेंट है, अपने आप में हिस्टोरिक मोमेंट है। इनको यहाँ पर तालियों के साथ इंक्लूड किया गया एज एन ऑफिशियल मेंबर ऑफ G20। और एक बार आपको वैसे बताता हूँ कि अफ्रीकन यूनियन में पावर क्या है, कितनी आबादी है, क्या पोटेंशियल है। अगेन ये आप देख पा रहे होगे ना, यहाँ पे इनका प्रॉपर झंडा रखा गया है, एक प्रॉपर नेम प्लेट रख दी गई कि अफ्रीकन यूनियन इज़ नाउ ए मेंबर ऑफ G20। अफ्रीका इस सम्मान को, इस सपोर्ट को कई सालों तक भूलेगा नहीं। और अफ्रीकन यूनियन की अगर मैं बात करूँ ना कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये मैं आपको समझाता हूँ। अफ्रीकन यूनियन एज ए ग्रुप 55 कंट्रीज का ग्रुप है, ये फॉर्म हुआ था 2002 में। इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें अफ्रीकन यूनियन को, अगर हम कंपेयर करें यूरोपियन यूनियन से, तो यूरोपियन यूनियन में आपको मिलेंगे टोटल 27 कंट्रीज। और आबादी के हिसाब से अगर हम देखें तो अफ्रीकन यूनियन की आबादी है 1.25 बिलियन और यूरोपियन यूनियन की आबादी लगभग 448 मिलियन की है। करोड़ की अगर वैसे हम बात करें तो मतलब कि यूरोपियन यूनियन में लोग रहते हैं लगभग 45 करोड़, अफ्रीकन यूनियन में 125 करोड़ लोग रहते हैं। और बिल्कुल आप यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, मगर यूरोप की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है, अगर हम यूरोपियन यूनियन की जो नॉमिनल जीडीपी है वो देखें तो ये 17 ट्रिलियन डॉलर से भी ऊपर है। कंपैरिजन के लिए आपको बता रहा हूँ, तो इंडिया की जो नॉमिनल जीडीपी है ये कुछ सालों में, मतलब मोस्ट प्रॉब्ली 2024 के अंत में 4 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास पहुँच जाएगी। तो यूरोपियन यूनियन देखिए रिच बहुत ज़्यादा है, आबादी कम है यहाँ पर। मगर मैं फ्यूचर की अगर बात करूँ, आने वाले 50 सालों की बात करूँ, तो अफ्रीका बहुत ज़्यादा तेज़ ग्रो कर रहा है। दुनिया में 6 जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है ये आपको मिलेगी अफ्रीका में। कई इंपॉर्टेंट देश है जो रिसोर्स रिच है यहाँ पर, जैसे कि नाइजर, इवन मैं कहूँगा सूडान, साउथ सूडान, यहाँ पे आपको ऑयल मिलेगा, लीबिया, अल्जीरिया, दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीज। इजिप्ट भी अफ्रीकन यूनियन का पार्ट है, यहाँ पे ऑफकोर्स आपको मिलेगा स्वेज कैनाल जो कनेक्ट करता है एशिया के ट्रेड को यूरोपियन मार्केट से। तो कहीं से भी हम अफ्रीकन यूनियन को इग्नोर नहीं कर सकते। बाकी वैसे एक और इन्फॉर्मेशन ये भी जान लीजिए, अफ्रीकन यूनियन के जो हेडक्वार्टर्स हैं ये आपको मिलेंगे इथियोपिया में। इथियोपिया की जो राजधानी है अदेस अबाबा, यहाँ पे हैं अफ्रीकन यूनियन के मेन हेडक्वार्टर्स। और अब ये ग्रुप एज ए होल ये बन चुका है G20 का एक प्रॉपर मेंबर। यूरोपियन यूनियन बहुत लंबे समय से ऑलरेडी मेंबर था, अब अफ्रीकन यूनियन भी बन चुका है प्रॉपर मेंबर। कोई बड़ी बात नहीं है कि इन द फ्यूचर साउथ अमेरिका में भी कई यूनियंस हैं वो भी डिमांड करें कि हमको भी आप ऐड करिए एज ए यूनियन। और मैं आपको बता दूं, अगेन फ्यूचर यूनियंस का है, मेरी बात याद रखना। इन द फ्यूचर कंट्रीज ये समझ जाएंगी कि आपस के जो डिफरेंसेस हैं ये मिटाकर एज ए ग्रुप, एज ए कलेक्टिव ग्रुप अगर हम बात करें ना तो सबको फायदा होगा। ये लाइन जब मैं बोलता हूँ तो पीड़ा भी बहुत होती है, क्योंकि जहाँ पे मैं रहता हूँ, जिस रीजन में मैं रहता हूँ उसको मैं देखता हूँ, तो वहाँ पे पाकिस्तान जरा संकी देश है जो मोस्ट प्रॉब्ली इस आइडिया को कभी सपोर्ट करेगा नहीं, और साउथ एशिया की एक कलेक्टिव वॉइस कभी दुनिया के सामने आएगी नहीं, जो एक बहुत ज़रा सैड बात है। बट बिम्स्टेक जैसे ग्रुप्स को देखकर उम्मीद आती है कि आसियान कंट्रीज़ के साथ मिलकर जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं ये भी इंटरनेशनली अपनी वॉइस स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं, एंड दे कैन डिमांड बेटर ट्रेडिंग राइट्स। और फाइनली यहाँ पे मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछूंगा कि अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट जिनको जयशंकर साहब यहाँ पर लेकर आए, जिन्होंने पीएम मोदी से यहाँ पर मुलाकात करी और ये गले मिले इनसे, ये कौन है, इनका नाम क्या है? सिंपल गूगल सर्च करोगे वैसे मिल जाएगा, मगर कोशिश करो अपनी तरफ से इसका आंसर करने की। कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए कि अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट कौन है। जो लोग सही आंसर करेंगे कोशिश करूंगा उनकी कमेंट को मैं हार दे दूं। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC, UPSC, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अन अकेडमी के क्वालिटी कोर्सेज
कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you.